सो दैट्स गुड। आई मीन ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी रणवीर सिंह का यू नो कोलैब। एंड उसके बाद जो है गाइस आई मीन एक्सूट तो होना ही चाहिए वो प्यार की राह में चलना। वेट अ सेकंड विल बी मैन। आई मीन ये बेसिक अपीयरेंस है, बेसिक अपीयरेंस पे जैसे देख रहे हो यहाँ पे जो है कपड़े कुछ ज़्यादा यहाँ पे पहनाए गए हैं। जैसे जैसे यहाँ पे जो है हम खर्चा करेंगे उसके बाद जो है गैस लाइक फाइंड द ऑड मैन आउट। ठीक है, समझ गए ना, समझदारों को इशारा काफी है। What is going on? Welcome back to the channel and ये वीडियो जो है गाइस हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द BGMI। यस, यहाँ पे जो है बहुत समय बाद हम यहाँ पे BGMI कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आज एक फाइनली मेजर अपडेट आ गई इस गेम के अंदर जो कि 2.9 वाली वर्जन की अपडेट है। अभी जो है 9:30 बजे सुबह के। आई होप ये वाली अपडेट्स या फिर ये जो भी अपडेट्स है प्रीवियस के अपडेट्स यू नो BGMI के ये सबको टाइम पे मिल रहे हैं क्योंकि एक जमाना होता था भाई PUBG में कि यार किसी को सुबह अपडेट मिल गई, किसी को दोपहर को अपडेट मिल गई, किसी को भाई रात तक अपडेट नहीं मिलती थी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है गाइस यहाँ पे अभी यू नो जैसे कि BGMI इंडिया स्पेसिफिक हो गया ये गेम, सो आई होप आपको जो है गाइस अपडेट मिल गई होगी। सो गाइस अपडेट कर लेना एंड आज जो है गाइस इसके अंदर चेक मारेंगे कि क्या क्या न्यू चीजें आई है। ठीक है, ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, इस गेम की पैच नोट जो है गाइस यू नो दिन ब दिन अपडेट पे अपडेट जो है गाइस यहाँ पे कम होती जा रही है। ठीक है, पैच नोट की लिस्ट तो यहाँ पे जो है मैंने गेम अपडेट कर लिया है एंड यहाँ पे जो है गाइस राइट अवे इस गेम की अगर मैं हाईलाइट आपको बताऊँ तो आई थिंक जस्ट 2 या फिर 3 हाईलाइट्स है, 3 हाईलाइट्स है। तो ये जो वीडियो है गाइस ये है स्पॉन्सर्ड बाय हिटफोर्स एंड यहाँ पे जो है मैं उनकी एक सर्विस के बारे में आप बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पे ऑनलाइन बैकग्राउंड जनरेटर एंड ऑल्सो ऑनलाइन बैकग्राउंड रिमूवर का है। सो अगर आपको ट्राई आउट करना है डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है आप अपने फोटो के बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो AI के जरिए। आपको कुछ करना नहीं, आपको जस्ट थीम सिलेक्ट करनी है एंड AI जो है बैकग्राउंड जनरेट कर देगा एंड उसी के साथ यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो वो भी जो है बहुत सिंपल वे में यहाँ पे वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे एंड ये ऑनलाइन है, आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता सॉफ्टवेयर आपके PC में। तो यहाँ पे जो है मैं एक इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है स्नैपचैट वाली फिल्टर वाली मैंने इमेज बनाई है। सो अभी मैं यहाँ पे सनसेट क्लिक कर देता हूँ एंड अभी मैं जस्ट यहाँ पे जनरेट दबा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेगा, ऑफ कोर्स AI काम कर रहा है बैकग्राउंड में, तो जस्ट वेट करना है। आपको जो है यहाँ पे नीचे जो है आपको मल्टीपल्स ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि AI ने जो है यहाँ पे क्या क्या जनरेट किया है। AI फिलहाल के टाइम में बहुत मचा रहा है एंड आई लव कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे AI को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हियर यू कैन सी गाइस यहाँ पे AI ने जो है कुछ सनसेट के थीम में जो है ऐसे कुछ जनरेट किए हैं एंड बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छी तरीके से चेंज होती है। वही जो है अगर यहाँ पे मैं बाथरूम सेलेक्ट करता हूँ, अभी बाथरूम मैंने क्यों सेलेक्ट किया वो मुझे पूछा नहीं कमेंट सेक्शन में। एंड ये भी है बाथरूम सेलेक्ट करने के बाद जो है गाइस ये फर्स्ट ऐसा कुछ तो हमें देखने को मिलता है। मुझे पता नहीं पीछे कौन है मेरे, बट ये जो है गाइस सेकंड है, आई थिंक वो रिफ्लेक्शन होगा एंड हियर इट इज। ये थोड़ा मुझे क्रीपी लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो है आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। सेकंड चीज दिखाऊंगा वो है बैकग्राउंड रिमूवर। तो यहाँ भी जो है मैं अपनी वो इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड राइट साइड में जो है गाइस आपको यहाँ पे राइट अवे जो है आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है आई थिंक मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है एंड उसी के साथ अगर आपको और एडिट करना है तो नीचे जो है गाइस एडिट का ऑप्शन है एंड राइट में आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको और एडिट करना है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं एंड यू नो लाइक YouTube कवर्स के भी ऐसे कुछ तो टेम्पलेट्स है, तो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली ट्राई आउट करना है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट हिटफोर्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। यहाँ पे जो सबसे पहली हाईलाइट है वो है गाइस यहाँ पे मोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गाइस फ्रोजन किंगडम करके जो है गाइस यहाँ पे मोड आया है। अभी हम चेकआउट मारेंगे, आई थिंक पता नहीं भाई, मतलब चल देखते हैं भाई। सोलो स्क्वाड जाते हैं एंड देखेंगे कि इसमें भसड़ कैसी मचती है और उसके बारे में कुछ चीजें चेकआउट करेंगे। अभी यहाँ पे जो सेकंड चीज हम यहाँ पे देख सकेंगे आई थिंक इस सेक्शन में जो कि है गाइस यहाँ पे रणवीर सिंह के साथ कोलैब। सो अगर आपको नहीं पता, ये गेम जो है अभी फिलहाल के टाइम में बहुत प्रमोशंस के साइड में घुस गया है। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको ये फील हो ही गया होगा ये गेम जब से लॉन्च हुआ है तब से। बट यहाँ पे जो है गाइस इस गेम में अभी फिलहाल के टाइम में कोलैबोरेशन हुआ है रणवीर सिंह के साथ एंड टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मुझे इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है, आई मीन आई विल नॉट हेट दिस, आई रियली लव्ड इट। यहाँ पे जो स्पेशली इसका कैरेक्टर है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे स्वाकी बाबा करके, तो ये जो है गाइस हमें कैरेक्टर लाइक काफी अच्छा खासा कैरेक्टर है। आई मीन आई थिंक इसके 2 वर्जन है, ये वाला है आई मीन ये आई थिंक फीमेल है, फीमेल में भी छावा लग रहा है एंड ये जो है गैस मेल है जिसमें दाढ़ी है। तो या आई मीन ये कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। अभी एक मिलता कैसे है भाई, ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, आई मीन आई रियली डोंट नो कि ये कैसे वर्क करता है। मुझे इसमें पढ़ने की लाइक मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही है कि यू नो लाइक मैं समझ सकूँ कि भाई ये कैसे वर्क करता है, पॉइंट सिस्टम एंड ऑल दैट। बट नीचे लिखा है प्ले मैचेस इन क्लासिक मोड टू एक्यूमुलेट एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स। तो मुझे पता नहीं कितने पॉइंट्स मिलेंगे, आई होप ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिलते होंगे, बट ये कुछ तो ऐसा है। और इसके बाद जो है गैस नीचे जो है सीधा राइट अवे हम ये परचेस कर सकते हैं जो कि 3 दिन का है। शर्म करो यार, प्लीज शर्म करो। एंड इसके बाद जो है गाइस यहाँ पे जो है रणवीर सिंह का क्रेट सेक्शन है, तो एक डेडिकेटेड क्रेट यहाँ पे जो है उन्होंने ऐड की है जिसमें जो है आई थिंक उसका कैरेक्टर भी है जिसके बहुत कम चांसेस होंगे, लिख के ले लो ठीक है। वो किस में आता है, मिथिक में आता है क्या पता नहीं, जिसमें भी है। उसके बाद जो है गाइस ये कुछ तो एक आउटफिट है, आउटफिट में आई एम रियली नॉट दैट इंटरेस्टेड। वेट आई थिंक ये आउटफिट है, इट्स नॉट इवन अ कैरेक्टर, आई थिंक ये आउटफिट है। एंड उसके बाद जो है गाइस यहाँ पे चिकन डिनर, ओके तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। आई मीन आउटफिट्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे, लेकिन जो है मुझे ये you know, इसका जो वॉइस है वो मुझे इंटरेस्टेड हूँ। एंड उसके बाद जो है गाइस नीचे कुछ इमोट्स है you know, स्वैग स्टार ग्रू करके, एंड ये शायद से कुछ आइकॉनिक रणवीर सिंह के डांस मूव हो सकते हैं। एंड आई थिंक धतड़ धतड़ भी है शायद से कहीं पे, तो आई थिंक ये डांस मूव है वो या केरेडस। तो या ये कुछ है you know, स्पेसिफिक रणवीर सिंह वाले कुछ डांस मूव्स है जो कि ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगे। एंड एनिमेशन काफ़ी बेटर हो गए हैं, पता नहीं क्यों। आई थिंक बहुत टाइम के बाद ये गेम खेल रहा हूँ तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ चीज़। या फिर जो एनिमेशंस है इमोट के बहुत स्मूथ हो गए हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। Yeah, I can feel that. So that's good. I mean, ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी रणवीर सिंह का you know, कोलैब। एंड उसके बाद जो है guys, I mean, एक्सूट तो होना ही चाहिए वो। Wait a second. I mean, how can I see the exuit? Wait, भाई मैं ऐसा लग रहा हूँ किसी एनिमे के गेम में आ गया हूँ। How can I see that exuit? मुझे ड्रॉ भी पे भाई यूसी खर्च नहीं करना है, मुझे जस्ट वो एक्सूट देखना है कैसे दिखता है। आपको पता है ना मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक वेट करो। एंड ये जो था ये भाई ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। आई मीन, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बेस्ट है। उसके बाद ये है, ये बेसिक अपीयरेंस है। बेसिक अपीयरेंस पे जैसे देख रहे हो यहाँ पे जो है कपड़े कुछ ज़्यादा यहाँ पे पहनाए गए हैं, जैसे जैसे यहाँ पे जो है हम खर्चा करेंगे। उसके बाद जो है गैस लाइक फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है समझ गए ना, समझदारों को इशारा काफ़ी है। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मे बी और कुछ यहाँ पे जो है रेडियंट फॉर्म देख लेते हैं। भाई इसमें ग्लाइड भी अलग, ऑर्बिटर भी अलग। आई मीन, ये कुछ इफेक्ट्स है क्या, शायद से इफेक्ट्स होंगे। और जो भी है आई मीन, ऐसे कुछ तो एक्सूट है, देख सकते हो बहुत महंगा पुंगा है। आई मीन, What we can expect man, I mean, हर एक गेम में ऐसा हो रहा है। फ्योरे एक्सूट है जो यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है। एंड दैट्स इट, आई मीन दैट्स इट। अभी जो है मोड में चले जाते हैं और यहाँ पे जो है कुछ बड़ी पैच नोट नहीं है। लाइक क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। कोलैबोरेशन तो ठीक है भाई, लेकिन बैलेंस भी करो चीज़ें। आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, लेकिन आई थिंक जो गेम फॉर पीस है, आई मीन आई रियली विश मुझे मेरे पास वो अकाउंट होता, लेकिन मेरे पास वो अकाउंट नहीं है। पता नहीं गायब ही हो गया, वो चले गया गेम फॉर पीस का बेटा अकाउंट का। लेकिन गेम फॉर पीस के बेटा में जो है उन्होंने कुछ तो एक न्यू मोड वगैरह लाया है। एंड उन्होंने जो है घोड़ा ऐड किया है एंड बहुत अच्छा खासा उसका एनिमेशन है, रनिंग एनिमेशन है। तो एक सॉर्ट ऑफ लाइक व्हीकल के कैटेगरी में उन्होंने घोड़े ऐड किए हैं। सो आइडियली डोंट नो कि वो परमानेंट है या फिर जस्ट टेम्पररी मोड स्पेसिफिक है, लेकिन जो उनका घोड़ा का मॉडल है इट्स लाइक यू नो क्लासिक घोड़ा, लाइक कुछ स्किन वाला घोड़ा नहीं है। तो देख के ऐसा लग रहा है कि वो शायद से एक परमानेंट व्हीकल वाले कैटेगरी में जा सकता है। गेम फॉर पीस में अगर फाइनलाइज हो जाता है तो शायद से एक ग्लोबल बेटा में आएगा। एंड उसके बाद BGMI में कब आएगा वी हैव नो आइडिया, ठीक है। बट अभी जो है हम यहाँ पे इस मोड में आ चुके हैं। आई मीन, एक समय होता था यार, लाइक सीरियसली कह रहा है, एक समय होता था रॉयल पास रिलीज़ हो गया एंड पहले ही दिन या फिर यू नो कुछ ही घंटों में जो है जितना हो सके उतना ग्राइंड करो, रॉयल पास की लेवल बढ़ाओ। लेकिन अभी आई मीन, ये देख के मुझे वो यू नो लाइक नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है कि भाई हम भी किसी ज़माने में ऐसे ग्राइंडिंग करते थे। लेकिन अभी जो है लाइक टू बी ऑनेस्ट भाई, वो पूरा मूड ही चला गया है। एंड यहाँ पे ये कुछ घर है, आई डोंट थिंक वो कुछ मेजर है। द मेजर इज दैट स्नोई विलेज, तो वो काफ़ी दूर है। आई थिंक मेरे बेटा वर्जन में कवर किया है। बहुत सारे जन भाई इसे देखकर खुश हो जाते हैं भाई। लाइक तुम लोग को नहीं पता यार, तुम लोग को नहीं पता OG अपडेट्स का PUBG या फिर OG अपडेट्स का जो फेज़ था वो कैसा था यार। इट वॉज इनसेन मैन, इनसेन। लाइक अगर आप प्रीवियस के पैच नोट्स का देखोगे ना, पॉइंट्स भी पढ़ोगे ना कि भाई क्या क्या न्यू है, लाइक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यार। एंड अभी के जो पैच नोट्स आप पढ़ोगे, अरे यार भूल जाओ। तो जोन के बाहर है, तो काफ़ी जोन के बाहर है, तो मुझे बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। रोप पे भी ऐड किए गया, आई मीन करेंगे ही करेंगे। ये रोप पे भी जो है कुछ न्यू नहीं है यार, लाइक पता भी नहीं कौन से वर्जन में था, लेकिन इट इज़ ओल्ड। आई थिंक ग्लोबल बेटा में मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, लाइक आपको गेम प्ले, अरे माँ की आप आ गया साला मिराडो लेके। सोलो है क्या, सोलो है आई सांखो, यही होता है। मेरे बटन लेआउट्स एंड ऑल भाई ज़रा भी हाथ बैठा नहीं है इस गेम के ऊपर, तो मैं बहुत जल्दी टपक सकता हूँ। बट स्टिल विल ट्राई और बेस्ट। लाइक ऑफ कोर्स पूरी मैच नहीं खेलने वाले गाइस हम यहाँ पे, ठीक है। आई लव दिस गेम मैन, लेकिन आई विश यार वो लोग कुछ मेहनत दिखाते यार। you know, rather than like promotion stuff. I think एक गन भी ऐड किया ना उन्होंने. वेट अ सेकेंड, कुछ तो स्नो वाली गन बेटा में मैंने देखा था, एंड आई थिंक पैच नोट्स में भी मैंने देखा था. ओह देयर इट इज. तो ये भी उन्होंने ऐड किया है. मैं इसी चीज़ की मैं बात करने वाला था, यू नो, डियर एंड देन आई थिंक स्लेज वाला जो पार्ट है वो अलग है, तो वो हमें ढूंढना पड़ता है एंड फिर वो अटैच करना पड़ता है. क्रिसमस ट्री दिख ही नहीं रहा है भाई मेरे को. तो होता था ना क्योंकि मैंने बेटा वर्जन में ये खेला था मोड. हग दिया. लेट्स ग्रैब नहीं कर सकता क्या मैं? कि एक बंदा आया है, सो आई नीड टू बी केयरफुल. वेट अ सेकेंड, आई थिंक उसने मुझे देखा. ओके इट्स गोना बी टीपीपी पूरा. उसने देखा क्या मेरे को? वेट अ सेकेंड, मस्ट बी ओवर देयर. ओह देयर इट इज. स्टेप्स काफ़ी क्लियर हो गए हैं. There is no way. Yeah. वो फाइट हो जीतने वाला था. मुझे पता नहीं यही बंदा था या फिर नहीं, बट लेट्स चेक इट आउट. एक कुछ तो गन फायर करने का आवाज़ आया. ओह देयर इट इज, इसी के पास है. सो ये जो है स्नो बॉल क्या था, कुछ तो था, हमने पिकअप कर दिया. ओह दैट इज़ नाइस. तो ये प्राइमरी में नहीं जाती, सॉर्ट ऑफ लाइक पिस्टल के सेक्शन में जाती है. फन कर सकते हैं इसके साथ, एंड देखते हैं कि अगर कोई बॉट मिलता है तो ये पता नहीं इसका डैमेज इतना नहीं होगा रे. ये जस्ट एक ट्रोलिंग वेपन हो सकता है. ओके बट ज़्यादा कोई आया नहीं यहाँ पे. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. तो आई थिंक यहाँ से मिलता है शायद से. 2 मिनट्स नहीं सॉरी मीटर था. गॉड डैम इट मैन. ओके तो यहाँ पे जो है आई मीन बेटा वर्जन में आई थिंक वो ड्रॉप्स थे, एंड यहाँ पे स्नो एमो है एक और स्नो ब्लास्टर. ओके स्नो बॉल ब्लास्टर कहते हैं इसे गाइस, ठीक है. एंड वेट, कोई तो ग्लाइड कर रहा है. माँ किया, किधर गया? मैं वही बोलूँ भाई, मैंने पीछे से किसी को तो देखा कि ऐसा यू नो देसी मीरोल ऐसे गया हो. यही वॉज हफ्ते. ओके यहाँ पे बॉट फाइट हो रही है क्या? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये प्लेयर है? Is that a bot? No, that's a player. अबे क्या हो रहा है? बैक क्यों ओपन हो गई? मार की आप. क्या हो रहा है भाई? अरे पीक बटन अनेबल नहीं है. वो वॉल के पीछे है कि ये रॉक के पीछे है? स्टेप्स आए मेरे को. नीडिंग कर रहा है, कूद रहा. दिख गया मेरे को उसके पीछे. पीक नहीं है रे. मॉली डालने के लिए अभी मैं पीक नहीं कर सकता. इसको दूं क्या? चैलेंज दूं? ऐसा को अरे नहीं यार, थर्ड पार्टी पीछे से. पता नहीं इसका ही टीममेट था फिर नहीं. और इस व्हाट द हेल. बट कोई नहीं, आई मीन मुझे बदला लेना था यार, बट वो जोन के बाहर है. बट दैट्स इट गाइस, आई थिंक रैप अप कर देंगे. ये है कुछ तो न्यू अपडेट 2.9 की. डू गिव इट अ ट्राई. आई मीन आपका क्या पसंद का है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. क्या वो एक्सूट है? क्या वो रणवीर सिंह का है? आई मीन अगर आप इस गेम के अंदर यू नो यूसी वगैरह खर्च करते हो, क्रेड ओपनिंग्स करते हो, तो शायद से आपके लिए वो फायदेमंद है. यहाँ पे एक्सूट भी आया है, रणवीर सिंह का क्रेड भी आई है, तो आई मीन पैसे वाले हो तो आपके लिए अपडेट काम की है. अदरवाइज अच्छा इतना है आज की वीडियो में. वीडियो चली गई तो जरूर लाइक कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.